हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। एक हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने सवाल किया है कि सर, टैली प्राइम के अंदर करेंट डेट नहीं आ रही है या चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो आइए, चलिए आज के इस वीडियो में यही देखेंगे, करेंट डेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। करेंट डेट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम हमने ओपन किया है। अब टैली प्राइम के ओपन होते ही हम सीधा बात किस पर करेंगे, करेंट डेट पर। तो ये टैली प्राइम ओपन हो गया, एजुकेशनल मोड को ऑन करके हम आ जाते हैं किसी एक कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट बनी हुई है, हम किसी एक कंपनी में चले चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए ये एक कंपनी है न्यू क्रिएशन, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आ गए। तो अभी देखिए यहाँ पर करंट डेट क्या दिखा रहा है, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2023। तो पहले तो अगर हमें, अब 2024 चल रहा है ये, तो अगर हमें चेंज करना है करंट डेट, तो पहले तो हमें फाइनेंशियल ईयर बदलना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर अगर नहीं बदलते हैं और डायरेक्टली F2 शॉर्टकट की होती है करेंट डेट चेंज करने की, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली F2 प्रेस करते हैं और F2 प्रेस करके आज की करेंट डेट यानी आज तारीख है 15, तो यहां पर 15/8/2023 होगा, तो यहां पे 15/8/2024 करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या दिक्कत आपको आएगी। यहां पर एंटर करेंगे तो ये एंटर ही नहीं होगा। इसलिए एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि जो है ये टैली का एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में या तो 1 तारीख या तो 2 तारीख या तो 31 के डेट में आप काम कर पाते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर 1/8 तो कर ही सकते हैं, 1/8/2024 तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 1/8/2024 किया, फिर भी ये एंटर करने पे एंटर नहीं हो रहा है। अब कारण क्या है एंटर ना होने के पीछे, कि यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर नहीं बदला है। तो यहाँ पे Alt+F2 करके फाइनेंशियल ईयर बदल लीजिए। क्या प्रेस करना है आपको, Alt के साथ F2 प्रेस करना है, ठीक है। Alt+F2 करके फाइनेंशियल ईयर बदलिएगा। अब यहाँ पे करिए 1/4/2024, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कर दीजिएगा 31/3/2025, ठीक है। अब एंटर करिएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप F2 करके यानी F2 शॉर्टकट की जो फंक्शन बटन होता है उसको प्रेस करके आप डेट चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1/8/2024 करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर अब ये डेट चेंज हो गई। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ये जो डेट है ना, कई बार स्टूडेंट गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये जो डेट है ना ये लास्ट एंट्री कब पास हुई है उसकी डेट है, ये करंट डेट नहीं है। करंट डेट आपको ऊपर शो हो रही है, देख सकते हैं। अब जो भी एंट्री पास करनी है आपको, आप जाके सीधा एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, जिसमें भी आपको एंट्री करनी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो करंट डेट चेंज कर पाएंगे। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल ये है कि सर, हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कितना हमें पेमेंट करना है और कितना पेमेंट रिसीव करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से पहले बाहर आ जाना है, ये बाहर आइए यहाँ से, ठीक है। और बाहर आकर के आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको कहाँ जाना है, काउंट स्टेटमेंट पे आना है, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत दो चीजें दिखाई देंगी, वैसे तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। पहला है रिसीवेबल, दूसरा है पेएबल, तीसरा है लेजर, चौथा है ग्रुप और पांचवा है क्विट। तो फिलहाल जो पेमेंट आपको रिसीव करना है वो रिसीवेबल में आएगा, और जो आपको पेमेंट करना है वो पेएबल में आएगा। तो देखिये ये सारे पेमेंट जो है 2023 वाले ये पेंडिंग में है, ये देख सकते हैं, ये सारे पेमेंट जो है पेंडिंग में है, ठीक है। ये देख सकते हैं सब पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग अमाउंट। तो ये आपका हो गया पेएबल, यानी ये आपको पे करना है, ठीक है। देख सकते हैं कितना पे करना है, नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, जो भी पेमेंट करना है वो सारा नीचे आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पेमेंट की रिसिप्ट बनी हुई है, ठीक है। और यहां से अगर बाहर आ जाते हैं हम, ये बाहर आ गए हम, ये देख सकते हैं बाहर आए, इसके बटन प्रेस करके आपको बाहर आना है। और अगर मान लीजिए पेएबल के बाद रिसीवेबल देखना हो, तो यहीं पे आउटस्टैंडिंग में आकर के ये रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल में देखिए ये भी पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, कितना पेंडिंग अमाउंट है, कितना आपको रिसीव करना बाकी है, यानी इतने लोगों को आपने उधार बेच दिया है सामान, ठीक है, पैसा रिसीव अभी हुआ नहीं है। तो ये रिसीवेबल है और ये पेएबल है, देख सकते हैं दोनों आपके सामने, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, दोनों आपको दिखाया। अब यहां से बाहर आइए, हमारा फाइनेंशियल ईयर बदल चुका है, तो अगर क्या हम वी बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर में जाएंगे, देखिए यहां पर ये डुप्लीकेट वाउचर नंबर बोल रहा है, तो यहां पे वाउचर नंबर चेंज कर लीजिएगा, ये हमने चेंज कर लिया। अब यहां पर आते हैं तो अजय सिंह के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखिए ये इनको जो है पेमेंट प्राप्त करना है वो यहां पे शो हो रहा है, देख सकते हैं ये 19,20,000 रुपए यहां पे पेमेंट दिखा रहा है। तो अगर हम 1 लाख दे देते हैं, यहां पे देखिए 1 लाख रुपए इनको अगर मिल जाते हैं,
तो पेमेंट हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये अगेंस्ट रेफरेंस पर कर्सर आएगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करके यहाँ पे आएंगे। और अगर मान लीजिए कि ये कैश में जा रहा हो तो कैश कर दिया हमने और एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये अब दोबारा जब ये लेजर इंसर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 लाख कम हो गया, 19,20,000 था अब 18,20,000 हो गया। मान लीजिए कि 1 लाख फिर इनको दे दिया गया सेम डेट पर, आप डेट चेंज भी कर सकते हैं एफ टू करके, यहाँ पे 2 तारीख की डेट कर लीजिए या 31 तारीख की डेट कर लीजिए, 31/7/2024 ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इस डेट पर 1 लाख रुपए और इनको मिल रहा है, ठीक है क्या हो रहा है इनको मिल रहा है, तो फिर ये अगेंस्ट रेफरेंस वाला कर्सर आ जाएगा और यहाँ 1 लाख रुपए और मिल गया। तो अब जब दोबारा लगाएंगे वही लेजर, आप देखिए अजय सिंह का लेजर लगाया 17,20,000 हो गया, यानी जितना मिलता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, ये पेमेंट जो है पेंडिंग में है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से अलग फाइनेंशियल ईयर में भी आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर आ गए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से रिसीवेबल था, तो रिसीवेबल में आप रिसीव करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, बी बटन प्रेस करके आएंगे और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, यानी F6 वाले वाउचर में आपको आ जाना है और यहाँ पर वाउचर नंबर जो भी आपका रिसिप्ट नंबर हो वो डाल दीजिएगा। और अब रिसीव किन से करना है, तो जो भी डेटर पार्टियां हैं ना उन्हीं से आपको रिसीव करना है, ठीक है पैसा। तो जैसे रंजन है तो इनका देखिए 1,44,748 रुपये बकाया है, तो यहाँ पर अगर इन्होंने 1 लाख रुपये दे दिया, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपये दे दिया कैश में दे दिया, अब यहाँ पर आए एंटर किया और ये कैश में दे रहे हैं, हो सकता है बैंक से दे रहे हो, तो आप बैंक का लेजर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर नरेशन डालेंगे, ठीक है क्या डालेंगे आप, कैश रिसीव्ड, RECEIVED, यानी कैश रिसीव किया तो कैश कर दिया हमने यहाँ पे। अगर हम चेक से रिसीव कर रहे हो तो चेक नंबर वगैरह का भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तरीका है, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। एक और चीज यहां पे दी गई है, देख सकते हैं आप, यहां पे स्टार्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, तो यहां से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पेमेंट आपने कर दिया है और आप रिफंड लेना चाहते हैं तो यहां से रिफंड भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर आ रहा है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, तो यहां पर रिफंड वाला प्रोसेस होगा, ठीक है, तो यहां से रिफंड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको अभी नहीं सीखेंगे, इसको हम बाहर आते हैं, पहले यहाँ से वी बटन प्रेस करते हैं, वापिस आते हैं, कहाँ आएंगे, वापिस आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर आएंगे, बाहर आएंगे, पहले तो बाहर आ गए और यहाँ से क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे यानी डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पर वापिस आते हैं, कहाँ पर आएंगे, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें मैंने दिखाया, पेमेंट रिसीवेबल और पेएबल, ठीक है। अगर आप लेजर में जाएंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा कि किनका अमाउंट कितना पेंडिंग है, तो देखिए लेजर में भी नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि लेजर में नहीं नजर आ रहा है, लेजर में भी आपको क्लियर हो रहा है कि किससे कितना पेमेंट प्राप्त करना है और किसको कितना पेमेंट देना है। जैसे अजय सिंह को और कितना पेमेंट देना है, 7,60,000 रुपए और इनको देना है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर एक और एंट्री है जिसमें 9,60,000 रुपए पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये दोनों एंट्रीज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए ये आयुष बर्नवाल का क्या है, तो देखिए आयुष बर्नवाल का यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग अमाउंट, तो ये भी देख सकते हैं पेंडिंग अमाउंट है और कितना पेंडिंग है देख सकते हैं, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से बाहर आते हैं, अब देखिए ये डेटर पार्टी है, ठीक है, डिफॉल्ट करके है, ये डेटर पार्टी है, तो देखिए इनका पेंडिंग अमाउंट किस प्रकार से ये दिखा रहा है, तो कुल मिला के इसमें तो 719 रुपये ही आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये एक और है निर्मल क्रेडिटर पार्टी है ये, तो देखिए यहाँ पर 1,14,542.40 रुपए इनको प्राप्त करने हैं, तो जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे ये एडजस्ट होता जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।